अस्सलाम वालेकुम, मैं आज आपको बताऊंगा कि UBNT NanoStation M2 को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। हाउ वी कॉन्फ़िगर NanoStation M2। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम इसकी ओपन नेटवर्क शेयरिंग सेंटर में जाने के बाद लोकल एरिया कनेक्शन को ओपन करते हैं। इसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टी को ओपन करते हैं। हमने इसकी प्रॉपर्टी को ओपन किया, ओपन प्रोटोकॉल वर्जन 6 TCP IPv4। हमने इसकी प्रॉपर्टी ओपन की, यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस। हमने इसके फॉलोइंग आईपी एड्रेस यानी स्टैटिक आईपी एड्रेस यूज करने हैं। उसके लिए हम इस इधर आईपी एड्रेस स्टैटिक देंगे, हम इधर इसके आईपी एड्रेस स्टैटिक देंगे। स्टैटिक आईपी एड्रेस 192.168.1.100 लगा देते हैं। उसके बाद हमने इधर क्लिक करना है, उसके बाद ये स्टैटिक हो गए। इसके बाद हमने इसे ओके पे क्लिक करवा दिया, हमने इसे क्लोज कर दिया। हम इसके अलावा इधर हम चेक कर लेते हैं डिटेल्स में, 1.100 हमने लगाए थे स्टैटिक आईपी, वो स्टैटिक हो गए हैं इसका मतलब, ठीक है। उसके बाद मैं आपको चेक करवाता हूँ, अनआइडेंटिफाइड नेटवर्क भी हो गया है। उसके बाद मैं कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। ब्राउज़र ओपन करने के बाद जो UBNT का जो आईपी होता है ना डिफ़ॉल्ट, वो होता है 192.168.1.20। हमने इसे ओपन किया। इसके अलावा हम इसे पिंग में भी चेक कर सकते हैं, पिंग लगा के CMD के हमारे पास वो स्टैटिक आईपी एड्रेस लग चुके हैं या नहीं। पिंग 192.168.1.20 -T। ओके, अगर हमारे पास वो आईपी एड्रेस लगे हुए तो यहाँ पे 64 आएगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे ही आएगा। उसके बाद एडवांस में जाने के बाद हमने ऐड एक्सपेक्टेशन, उसके बाद सिक्योरिटी, यहाँ पे हमने इसका यूज़र नेम डिफ़ॉल्ट होता है वो UBNT होता है, हमने UBNT लगाना है और पासवर्ड भी UBNT ही लगाना है। उसके बाद हमने यूनाइटेड स्टेट कंट्री सेलेक्ट करना है। यूनाइटेड स्टेट में वाईफाई स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, कि सिग्नल की स्ट्रेंथ फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी होती है, मैं इसको इसलिए यूज़ कर रहा हूँ। लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद हमने इसको लगाना है स्टेशन मोड पे, तो हम इसके वायरलेस सेटिंग में जाते हैं। हमने इसे AP एसेस पॉइंट पे लगाना है, तो हम इसके एसेस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, SSWDS ट्रांसपेरेंट ब्रिज मोड, हमने इसको इनेबल कर दिया। यहाँ पे हमने जो भी SSID लगानी है वो हम SSID लगा देते हैं। उसके बाद हमने चैनल विड्थ जो है, चैनल की जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 MHz रख देनी है। उसके बाद चैनल जो है वो भी हमने सेलेक्ट करना है, हमने इसे चेंज कर दिया। यहाँ पे आपसे पूछेगा कि न्यू पासवर्ड लगाना चाहते हैं, हमने यहाँ पे करंट पासवर्ड UBNT लगा दिया। उसके बाद हम जो भी पासवर्ड लगाना चाहते हैं वो लगा दिया मैंने। ओके, मैंने इसे चेंज किया। उसके बाद हम अगर Web2 Security लगाना चाहते हैं, नन रखना चाहते हैं, तो हम यहाँ से Web2 Security भी लगा सकते हैं। यहाँ पे 1122.3.3.4.4 लगा देता हूँ Web2 Security। ओके, मैंने इसे चेंज कर दिया। इसके बाद हम इसके एडवांस में जाएंगे। एडवांस में जाके हमने जस्ट इंस्टॉलर ERIP कंट्रोलर हमने इसको इनेबल कर देना है। क्लाइंट आइसोलेशन हमने इसको भी इनेबल कर देना है, ठीक है। एक्स्ट्रा रिपोर्टिंग हमने इसे अनटिक कर देना है, चेंज करके हमने दोबारा अब फिर नेटवर्क में जाना है। हम ऑटो आईपी असेलिंग इसको भी ख़त्म कर देना है, ठीक है सर। इसके बाद हमने अगर कोई आईपी खुद साइन करनी है तो हम कर सकते हैं, 1.20 करनी है।
After this, after this unticking, we can go to advanced setting and check this service. We can talent server, we use a talent server. Tick mark करें इसको और मैंने इसे भी टिक मार करने के बाद मैंने इसे time.able.end यानी इसके setting NTP rule मैंने apply कर दिया तो system lock को मैंने enable कर दिया ताकि ये system में जा सके इसके उसके बाद मैंने system में गया तो system में जा के बाद मैं इसकी devices का नाम दे सकता हूँ ठीक है मैंने इसकी device का नाम दिया उसके बाद मैंने इसको भी जो भी नाम लगाना था वो मैंने लगा दिया इसको मैंने टिक कर दिया टिक करने के बाद मैंने इसे चेंज कर दिया चेंज करने के बाद मैं फिर नेटवर्क में गया और अब मैं चेक करता हूँ इधर अगर ये ये टिक था तो हमने इसे ऐसे होता है हमने इसे अनटिक कर देना होता है इनमैक्स ऑफ कर देना अगर हमने लॉन्ग रेंज लिंक क्रिएट करना है तो देन वी कैन यूज दिस एयरमैक्स एट दिस पोर्ट एंड इन द मेन मेन्यू वी कैन चूज दिस फ्रीक्वेंसी दैट हैव अ गुड रेंज दैट हैव अ गुड रेंज Now I can use the frequency channel 11. How I can use channel 11? Now I'm going to site survey. Site survey में जाने के बाद मैं यहाँ से वो channel use करूँगा जो सबसे कम हो यानी जिसकी strength भी अच्छी हो सबसे अच्छा चल रहा हो यानी यहाँ पे हमने चेक किया तो ये 86 थी ये 77 ये channel 1 है हमने इसे change करके चेक किया तो मैंने चैनल 11 यूज़ कर लिया यहाँ से मैंने चेक किया और मैंने चैनल 11 यूज़ किया अप्लाई कर दिया ओके एंड SSID को मैंने अप्लाई कर दिया मेरे लिए नेटवर्क हो चुके हैं यानी अब हम इसमें कुछ भी चेंजिंग कर सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं इसकी SSID में चेंजिंग करनी है तो हम इसकी SSID में चेंजिंग कर सकते हैं कुछ भी करने के बाद हमने इसे चेंज करना है एंड देन दी अप्लाई ओके फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक भी करें ठीक है दोस्तों अल्लाह हाफिज़